हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 1 से, इशू ऑफ शेयर्स से, जो कि हमारा बीकॉम पार्ट 2 का अकाउंट्स है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन 15 हमारा रिलेटेड है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। वेंडर्स मतलब जिससे हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा है या कुछ एसेट्स खरीदा है, तो उसको शेयर्स के रूप में पैसा कैसे दिया जाता है, तो वो चीज़ इसमें हम लोगों को एंट्री करना है। पहला है कि एक रोजी लिमिटेड है, कोई कंपनी है जो कि परचेज़ किया एसेट्स 50,000 का रूबी लिमिटेड से। तो अब ये पैसे देगा उसे रूबी लिमिटेड को, तो ये इशू कर रहा है शेयर्स 10 रुपीज़ का है हर एक शेयर्स, जो कि फुल्ली पेड कर चुका है। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा कंपनी है जो कि परचेज किया है मशीन 62,500 का, और ये फुल्ली पेमेंट कर चुका है जितने रुपीज़ में वो ख़रीदा है, और ये ख़रीदा है ये शेयर्स 100 रुपीज़ के ऊपर, और जिस पे प्रीमियम भी दिया है 25 रुपीज़ का। देन है हमारा कंपनी है जो अलॉट किया है 600 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का हर एक शेयर है वेंडर को, और वो उसका सारा पार्ट पे कर चुका है। तो चलिए इसका हम लोग जनरल एंट्री देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसमें बोला है कि ए नंबर में बोल रहा है कि रोजी लिमिटेड कोई एसेट्स को ख़रीदा है, तो पहले एसेट्स आया है तो उसकी एंट्री करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रूबी लिमिटेड अकाउंट, ये इसे ख़रीदा है 50,000 में, एंड देन 50,000 में ये एसेट्स को ख़रीद लिया है। अब इसको पे करेगा रूबी लिमिटेड को, तो हम लोग लिखेंगे रूबी लिमिटेड, ये वेंडर था हमारा, अकाउंट डेबिटेड, दे कैसे रहा है शेयर्स में दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको दिया फुल्ली पे कर दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। ये हो गया हमारा ए नंबर। ए में बस इतना ही एंट्री करना था कि एसेट्स को ख़रीदा और एसेट्स की पेमेंट कर दिया। अब हम लोग बी देख लेते हैं। बी में है मशीन ख़रीदा, तो हम लोग सबसे लिखेंगे पहले मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन आया है कंपनी के पास और आया है, ये वेंडर का नाम नहीं दिया, तो हम लोग लिखेंगे वेंडर अकाउंट, ये ख़रीदा है 62,500 में, हम लोग लिखेंगे 62,500, एंड देन इसका पेमेंट करेगा वेंडर को, तो हम लोग लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, एंड देन इसमें प्रीमियम भी साथ में दिया है, तो हम लोग प्रीमियम को भी लिखेंगे, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले वेंडर को ये दिया है 62,500, एंड देन अब हम लोगों को इसमें देखना है कि हमारा एक शेयर का वैल्यू कितना है। इसमें ये तो टोटल हमारा दिया है कि वो 62,500 पे किया है, पर एक शेयर का कितना वैल्यू है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखा लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे तो इसमें बोला है शेयर्स इज इक्वल टू कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ एंड प्लस 25 प्रीमियम था, तो हो जाएगा हमारा 125 का एक शेयर था, ये वैल्यू था हमारा कि 125 रुपीज़ का एक शेयर लग रहा था, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 62,500 रुपीज़ का कितना शेयर होगा, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 62,500 डिवाइडेड बाई 125, ये आ जाएगा हमारा 500 शेयर्स था, मतलब कि 500 शेयर्स 125 के हिसाब से होता है हमारा 62,500 रुपीज़, मतलब कि 500 शेयर्स दिया था वेंडर को कंपनी। तो 500 शेयर्स पे अब हम लोग देख लेंगे कि प्रीमियम कितना लग रहा है, प्रीमियम है हमारा 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 500 शेयर्स इंटू 25 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 12,500, ये हो गया हमारा प्रीमियम, एंड देन हो जाएगा हमारा 50,000 कैपिटल, ये हो गया हमारा बी। हम लोग को बी में यही बनाना था कि मशीन सबसे पहले ख़रीदा एंड देन वेंडर को पेमेंट किया। अब देन हम लोग सी बना लेंगे, तो लिखेंगे सी
सी में भी सबसे पहले वो सी में हमारा बोला है डायरेक्ट कि कुछ परचेज़ नहीं किया इसमें, डायरेक्ट एक कंपनी अलॉटमेंट कर रहा है 600 शेयर्स का जो कि 100 रुपीज़ के हिसाब से और डायरेक्ट उसे मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा 60,000, ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 600 इंटू रुपीज 100, ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज। बस सी में हम लोगों को इतना ही एंट्री करना था। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक बिहार बिस्किट लिमिटेड कंपनी है जो कि परचेस्ड किया एक मशीन जिसका वैल्यू है 8,36,000 रुपीज़ का, एक्स वाई जेड लिमिटेड से ख़रीदा है और वो इशू कर रहा है बिहार बिस्कुट कंपनी प्रीफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का, इस फुल सेटिस्फैक्शन में मतलब कि पूरा पे कर दिया। अब इसमें हम लोगों को जनरल एंट्री बनाना है एट पर एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% के ऊपर। तो चलिए देख लेते कैसे बनेगा। ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बनाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी आगे वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। एंड देन मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को एंट्रीज ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चले हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। सबसे पहले मशीन खरीदा था कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिटेड टू, ये खरीदा किससे है तो एक्स वाई जेड लिमिटेड से खरीदा है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड हमारा लाइबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये खरीदा था इससे 8,36,000 में, तो हम लोग लिखेंगे 8,36,000। ये परचेस कर लिया मशीन। अब हम लोगों को पहले बनाना है एट पर पे। एट पर का मतलब कि जितना में प्रीफरेंस शेयर उसको इशू किया है उतने में ही वेंडर भी दिया था उसको एसेट्स। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हमारा ए एट पर, इसमें हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। देन ये दे कैसे रहा है तो प्रीफरेंस शेयर से दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है एट पर पे है। तो हम लोग इसको लिख दे, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 1,36,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा एट पर का। देन उसके बाद अब हम लोग देख लेंगे कि प्रीमियम पे कितना लगता है, तो हम लोग लिखेंगे बी एट प्रीमियम तो इसको देगा एक्स वाई जेड को देगा एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू प्रीफरेंस शेयर दे रहा है, तो लिखेंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन प्रीमियम के साथ दे रहा है, तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये देख हम लोगों को अब सबसे पहले इसमें देखना है प्रीमियम वाले पे कि कितना शेयर्स दिया था जिसका वैल्यू हमारा 8,36,000 रुपीज़ आया था। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम का वैल्यू दिया है 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब इसमें देखेंगे 100 रुपीज़ था हमारा कैपिटल का वैल्यू एंड देन 10 रुपीज़ प्रीमियम लग रहा था, तो ये 110 का हमारा एक शेयर था, इसका मतलब कि 110 में एक शेयर दे रहा था वेंडर को। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि 8,36,000 पर कितना शेयर्स देगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,36,000 में कितना शेयर्स है, तो 110 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7,600 शेयर्स। अब ये इसका मतलब है कि 7,600 शेयर्स दिया था कंपनी वेंडर को जिसका वैल्यू होता है हमारा 8,36,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7,600 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 76,000 रुपीज़ प्रीमियम का दिया है एंड 7,600 के ऊपर 100 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 7,60,000 एंड देन हमारा हो जाएगा 8,36,000।
बस इतनी ही एंट्री करनी थी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 में। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।